आज है 31 जुलाई, सो इस मंथ का लास्ट डे है। और आज अभी सुबह का टाइम है, एक्सरसाइज करके बस जस्ट फ्री हुई हूँ, तो अभी बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में बनाने वाली हूँ ओट्स अभी फ़िलहाल, तो ओट्स बनाऊँगी और देन उसके बाद काम करेंगे और देखते हैं और क्या होता है। सो आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह थोड़ी सी बारिश आई थी बट अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी वाली धूप है, आप देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी लग रही है। सो धूप है अभी तो, और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, और आज का दिन पता नहीं कैसे जाने वाला है। सो देखते, और वो जो ग्रीन कलर का डब्बा दिख रहा है वो मेरे घर का कचरा का डब्बा होता है, जो कि सुबह होता है। पता नहीं वो कचरे वाले को क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे दरवाजे पे नहीं छोड़ता, दूसरों के दरवाजों के पास छोड़ के मेरा डब्बा चला जाता है सुबह। मैं बहुत बार सोचती कि मैं उसको बोलूँ, लेकिन ना वो इतना सुबह आ जाता है कि मैं उठ नहीं पाती। तो उसको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना कि फिर कोई बाजू वाला कोई कुछ भी बोल सकता है ना कि आपका डब्बा मेरे घर के सामने या मेरे दरवाजे के सामने है, तो रखेगा वो और प्रॉब्लम हमें होगी। सो मेरे बाल ना बहुत गीले हो गए क्योंकि पसीना बहुत आया है, जस्ट एक्सरसाइज करके थोड़ा सा 10 मिनट का मैंने रेस्ट लिया है, और आप देख सकते हैं बाल बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं पसीने से, तो आज मुझे बाल धोना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो वो जो है वो डब्बा वहाँ रखते हैं, बाद में मैं ले लूँगी, अभी नहीं लेती हूँ, थोड़ी देर में। अभी मैं रोहितोष नहाने गए हैं, सो मैं पहले नाश्ता बना लूँ क्योंकि नहाने के बाद उनको नाश्ते चाहिए रहेगा। तो चलिए देखते कि मैं ओट्स बना रही हूँ, तो ओट्स कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा निकल गए थे, अभी फ़िलहाल तो बाई वगैरह भी नहीं है, घर पे मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो बर्तन निकले थे और बर्तन कर रही थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे यहाँ पे बार बार मुझे। सो यही सब चीज़ें चल रही थी, घर के काम और एंड बस काम करके उठी हूँ। कोई आया था डोर पे, तो हाँ मैंने अंडे बुलाए थे एक्चुअली, तो वो आंटी जो है दुकान वाली वो लेके आ गई थी अंडे, तो मैं उन्हीं को पैसे वगैरह दे रही थी। और यहाँ पे रुई और मैंने चॉकलेट भी बुलाया था साथ में, तो रुई को चॉकलेट चाहिए था बट खाने का टाइम था, शाम का जो रात का जो खाना था वो खाना था, तो मैंने सोचा कि इतने रात को अभी इसको चॉकलेट नहीं दूँ, पर वो बहुत रो रही थी, देखो वो कितना पीछे लग रही थी, बोल रही थी कि नहीं मुझे चाहिए चॉकलेट, तो फिर भी मैंने नहीं दिया उस टाइम पे, बाद में मैंने उसको दे दिया था बट वो टाइम पे नहीं दिया था, तो चॉकलेट मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो रुई बहुत रोने लग गई थी क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, बहुत रो रही थी, तो फ्रिज के अंदर रखने के बाद फिर मैं उसको चुप करा दी। देन फिर से अपने थोड़े से काम जो है बचे थे वो मैं कर रही थी,
जैसे खाना वाना बनाना ये सब शाम का टाइम का चल रहा था। मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई थी यहाँ पे। सो देख रहे हैं आप, टमाटर वगैरह मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया था कि मुझे अंडे की भुर्जी बनानी है या फिर ग्रेवी वाला बनाना है, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि चलो अंडा करी बना लेते। तो फिर मैंने बनाया था अंडा करी। हाँ, अंडा करी बना लिया था फिर मैंने। तो बस यही सब चल रहा था खाने की तैयारी। तो यहाँ पे रुई और शार्विन की मस्ती चल रही थी, दोनों लड़ाई कर रहे थे वो लोग, इसी वजह से मैंने उनको फिर डांट दिया था। तो रुई रो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी खाना खाने की हूँ, खाना खाऊंगी थोड़ी देर बाद, मन नहीं कर रहा खाने का, क्यों तो पता नहीं। और आप देख सकते हैं रात का बहुत ही सुंदर व्यू है और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सुंदर हवा आ रही है। तो अभी खाना बन चुका है मेरा। शार्विन और रुई का तो झगड़ा चलते रहता है उन दोनों की मस्ती। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। चलिए मिलती हूँ, बाय। आपको एक व्यू देती हूँ बाहर का, रात वाला बहुत सुंदर है, तो देखो वो भी। ये छोटे छोटे घर है, ये बिल्डिंग्स है, बहुत अच्छा लगता है। सपनों की नगरी मुंबई बोला जाता है, क्या पता हमारे सपने सच होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। लेट्स सी, लगे तो है खुद का घर बनाने में। अभी तो रेंट में रह रहे, मुंबई में एक खुद का घर होना बहुत बड़ी बात है। सो मेरा भी सपना है मुंबई में घर होना, देखते कब तक पूरा होता है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।